साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी, महायुति सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक, कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा, क्या मिलेगा महायुति सरकार को फायदा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना UPS लागू करने की घोषणा की है। इस योजना को लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। प्रदेश में मार्च 2024 से इस योजना को लागू हुआ माना जाएगा, जिससे प्रदेश के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले महायुति गठबंधन सरकार की तरफ से किया गया ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पेंशन योजना UPS योजना के लागू होने से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा उन्हें रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक तो नौकरी करनी ही होगी। वहीं समय समय पर इस पेंशन में महंगाई राहत DR भी जोड़ा जाएगा। वहीं कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर फैमिली में किसी योग्य सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा योजना के अनुसार कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार का कार्यकाल इसी साल 26 नवंबर को खत्म होने वाला है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी इस बार महायुति सरकार को हटाने की पूरी कोशिश में जुटा है। हालांकि लोकसभा में महायुति गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले शिंदे सरकार की तरफ लागू किया गया UPS उनके लिए फायदेमंद साबित हो गया है, क्योंकि इस योजना का प्रदेश के 23 लाख कर्मचारियों और उनके परिजनों को सीधा लाभ मिलेगा। इसे शिंदे सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।